नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सीतामढ़ी पेज पे। आज बिहार की एक बेटी अर्पना सिन्हा जो कि साइकिलिस्ट है और नालंदा बिहार शरीफ से सीतामढ़ी के इस पावन धरती पे माता सीता के जन्मभूमि जानकी स्थान में और अभी उर्विजा कुंड पे हम सबों के बीच उपस्थित है। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं सीतामढ़ी पेज के माध्यम से सीतामढ़ी के धरती पे माता जानकी के धरती पे अर्पना जी का स्वागत है आपका। अर्पना सिन्हा जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके मन में जो भावना आया कि हमको पूरे बिहार साइकिल से भ्रमण करना है, तो ये आपका मतलब आपको कैसे ये मन में भाव आया? इससे पहले मैं भी साइकिलिंग कर चुकी थी, बेटियों को बढ़ावा देना एज ए, और फिर उससे पहले मैं की थी पॉल्यूशन फ्री इंडिया को लेकर। तो मैं सोची कुछ अगर हटके करना चाहिए, समाज को लेकर करना चाहिए, तो मैंने नारी सशक्तिकरण पे ये टूर निकाला। अच्छा, घर में परमिशन इसके संदर्भ में कुछ परेशानियां? घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि घर वाले भी तभी सपोर्ट करते जब आप अचीवमेंट देते हैं, सक्सेसफुल होकर दिखाते। तो अगर यही मैं नहीं करती कोई भी चीज में, मैं रिजल्ट नहीं देती तो घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे। उनका होता है विश्वास जीतना, तो मैं कर चुकी हूँ। अभी तक कितने जिला आपने भ्रमण कर चुका, कितने जिला? आज मेरा 20 जिला कंप्लीट हो गया है 38 में, और आज मेरा 15वां दिन है, और कल 16वां दिन स्टार्ट होगा, तो 21वां डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट होगा सीवर। कल आपको सीवर जाएंगे, सीवर के बाद आपका अगला टारगेट ईस्ट चंपारण। अभी जो महिलाओं के को एक नया जो सोच आप देने जा रही है अपने तरीके से, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं महिलाओं को, किस तरीके से समाज को एक संदेश देना चाहिए? खुद में एक्टिव होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। आजकल बहुत जगह है कि सशक्त हो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि सामाजिक दबाव, गार्जियन का प्रेशर, और जिन बच्चों की अंदर का जो होता है हौसला कुछ बनने का, कुछ करने का, तो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। तो उनका कहीं कहीं उनका भी गलती होता है कि वो विश्वास नहीं करते, गार्जियन उन पर नहीं करते और वो गार्जियन पर नहीं करते। तो हमें दोनों तरफ से मिलकर करना चाहिए, और अगर बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए। समाज क्या कर रहा है उस पर उन्हें थोड़ा देर के लिए पर्दा डालना होगा। ठीक बात है, समाज अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो भी अच्छा कहेंगे, हो सकता है कि कहीं न कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसी परेशानियों और सामाजिक दबाव के बीच में लड़कियों को कैसे आगे बढ़ना है ये आप इनसे आप सीख सकते हैं। जैसे मैं साइकिलिंग पे निकली हूँ अकेले, और बिना पुलिस प्रशासन होता है किसी की मदद के नहीं, जहाँ सोशल मदद मिल रही है, तो मैं अकेले होकर इतना सफर तय कर चुकी हूँ। तो फिर आजकल की लड़कियाँ या फिर महिलाएं मार्केट कहीं जाना हो तो फिर जेंट्स साथ में क्यों लेना पड़ता है, वो अकेले ऐसा खुद क्यों नहीं कर सकती हैं। मैं एक लड़की होकर, अभी मेरी मैं बहुत एज की भी नहीं हूँ, तो मैं अकेले इतना कर रही हूँ, तो वो लोग भी कर सकते हैं, और कोशिश करने पे ही जीत मिलती है। बिल्कुल सही कहा। इन सभी परेशानियों के बावजूद जब आप किसी नए जिलों में जाते हैं, नए शहर में जा रहे हैं, तो उसमें स्थानीय तौर पे प्रशासन का या प्रशासनिक सहयोग का है या फिर के सामाजिक सहयोग, ऐसा सपोर्ट है, जैसे कि आज सीतामढ़ी के जो माननीय डीएसपी सर है या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे जो है यहाँ पे अभिषेक मिश्रा शिशु या फिर अन्य बहुत सारे लोग हमारे बीच आपके स्वागत में यहाँ पे खड़े थे, तो ऐसा माहौल आपको पहले भी मिला? जी मिला, वो सामाजिकली मिला। तो कहीं कहीं मैं इस चीज को जो संदेश लेकर निकली हूँ, तो मैं जहाँ भी टाइम मिलता है स्कूल वगैरह भी विजिट करती हूँ, और टाइम मिलने पे मैं जिलाधिकारी सर से भी मिलती हूँ और अपडेट देते आ रही हूँ। तो कहने का मतलब है इनका कि अगर आप अच्छे चीज कर रहे हैं और आपका सोच जो है कि बड़ा है और समाज के लिए एक अच्छा संदेश देने का है, तो निश्चित तौर पर आपको कहीं न कहीं सभी प्रकार से सहयोग, सामाजिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, सभी स्तर पे आपको सहयोग मिलता है। बस सिर्फ होना चाहिए एक अच्छा सोच और अपने आप में विश्वास। तो ये था हमारे एक बहुत अच्छा जो साइकिलिस्ट हमारे बिहार की एक, इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि इस क्रम में इनको एक समस्या का सामना करना पड़ा था, वो था एक्सीडेंट। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं उस पे। रास्ते में तो और भी बहुत जगह ऐसा हुआ, कमेंटबाजी तो होते रहता है, उन लड़कों का काम है, तो उस पर मैं फोकस नहीं करती थी। लेकिन कल मैं दरभंगा से निकल रही थी, वह जो राजा का किला है वो देख करके, तो ये दरभंगा एयरपोर्ट से जैसे ही आगे निकली ना, तो रास्ता सुनसान टाइप का था, सुनसान ही था, चलता ही था, लेकिन वहाँ पे नहीं कोई था। तो मैं लेफ्ट साइड से जा रही थी और राइट साइड से एक बाइक पे तीन लड़के आ रहे थे,
तो होता है ना लहरिया मारना, तो वो लोग क्रॉस क्रॉस करके आ रहे थे, तो वो मेरी साइड है, तो मैं अब क्या करती, अगर मैं राइट लेती तो आज मेरा बहुत डेंजरस हो जाता, तो मैं लेफ्ट लेकर के लेफ्ट ली, तो वो लोग थोड़ा सा टच किए साइकिल में, तो मैं गिर गई और वो लोग निकल गया, तो हाथ में ये सब में चोट लगा। तो मुझे वहाँ से बेगूसराय से अपडेट मिला कि आप वहीं पे स्टे कीजिए, हम लोग व्यवस्था करवा देते हैं। मैं वहाँ से मुझे 22 किलोमीटर और मधुबनी जाना था, तो मैं बोली नहीं मैं पूरा जाऊंगी। तो बोले आपको चोट लगा है, दर्द होगा, हम बोले होगा तो होगा, रात में देखा जाएगा, अभी तो पहले से ही पूरा करना है। उसके बाद चोट लगने के बाद भी मैं खुद से वहाँ पे ड्रेसिंग की, सारा सफाई करके बैंडेज बांधी और फिर वहाँ से मैं निकल गई और फिर मधुबनी जाकर रेस्ट की। रात में बहुत पेन हुआ, तो वैसे स्थिति में मैं चाहती तो रुक सकती थी, लेकिन मैं रुकने के लिए काम नहीं स्टार्ट की हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि रुकने के लिए काम नहीं किया था, और ये होता है जज्बा और अपने आप में विश्वास। तो हम आगे के यात्रा के लिए शुभकामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।